किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने में भी यह सरकार बड़ी बावाही लूटने की कोशिश करती है। लेकिन जिस तरीके से छाती पीड़ते नहीं अघाते कि हम किसानों को 6000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि देते हैं, यानी छुट्टा जानवर से पूरा खेत चरा लेते हैं, लाखों लाख का फसल चट करवा जाते हैं और 6000 रुपया दे करके किसानों के हमदर्द होने का नाटक करते हैं। लाखों की फसल चरा करके 6000 रुपए की कीमत क्या होती है योगी मोदी जी पूछो, जिसकी पूरी साल भर की कमाई आपके छुट्टा जानवर चर जाते हैं। उन छुट्टा जानवर को नियंत्रित करने का आपके पास कोई उपाय तरीका नहीं है। किसान खामियाजा ला उठाता है, रात रात दिन जगने के बावजूद भी अपनी फसल नहीं बचा पाता। 100-200 छुट्टा जानवर एक साथ आते हैं, पूरी की पूरी फसल चट कर जाते हैं और झूठा मरहम लगाते हैं 5 किलो अनाज का, 10 किलो अनाज का, 6000 रुपए सालीना का। क्या यही किसानों की हैसियत भाजपा सरकार में आती है? हमारे भारतीय किसान की कीमत 6000 रुपया है, पूरी फसल चरा लो 6000 रुपया देकर के ढिंढोरा पीटते हो, शर्म आनी चाहिए, चिल्लू भर पानी में डूब कर इसी सरकार को मर जाना चाहिए। ऐसी नैतिकता खो चुकी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, इस सरकार की नीति है लोगों को मोहताज बनाओ, गरीब बनाओ, लाचार बनाओ। और जिस तरीके से पूर्व में कभी कांग्रेस लोगों को गरीब लाचार बदहाल बना करके उनका वोट 2 धोती पर 5 रुपए 10 रुपए पर लेती थी, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को गरीब लाचार और बदहाल बना करके उनको 5 किलो चावल सालीना 6000 रुपया देके नाटक करके उनका होठ हत्याना चाहती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, अगर किसानों का सम्मान चाहते हो, अगर चाहते हो कि किसान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहे, तो आपको याद करना होगा चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने नारा दिया था कि खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होके जाता है। और इसलिए जब हमारा पूरा खेत ही चर जाएंगे, खलिहान लगाने की नौबत ही नहीं आएगी, तो खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से जाने का जो चौधरी चरण सिंह ने नायाब तरीका बताया था, ये भाजपा सरकार में सब उसको छुट्टा जानवर सपा चट कर जाएंगे। इसलिए मैं पूरे प्रदेश के किसानों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, आज समय आ गया है किसान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का।